अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक रोज एक डांसिंग लेडी निकलती है जिसे लोग सर्बियन डांसिंग लेडी कहते हैं। यो गाइस, वेलकम बैक टू फ्लाइंग मंदिर। तो गाइस, आपकी भयंकर रिक्वेस्ट पर आज हम लोग लेके आ गए हैं सर्बियन डांसिंग लेडी की ट्रू स्टोरी। सर्बियन डांसिंग लेडी, जी हाँ। सो गाइस, कभी भी आप अकेले कहीं रात में जा रहे हो ना और कोई भी लेडी आपको डांस करते हुए दिखे तो उसको टोकना नहीं, टोकना रोकना बिल्कुल भी नहीं, अपना रास्ता बदल के निकल जाना, वरना वो तुम्हारे पीछे चाकू लेके पड़ सकती है और तुम्हें जान से अगर उसे बुलाने की कोशिश की या फिर उसे छेड़ने की कोशिश की तो फिर तुम्हारी जान भी ले सकती है वो। सो यू गाइस डोंट बिलीव यार, सर्बियन में एक सर्बियन है, सर्बियन, ओके फाइन, नहीं हाँ, सर्बियन में एक ऐसी ही लेडी निकलती है जो डांस करती है रात में, और अगर उसको कोई छेड़ता वो है, वो भी अजीब सा डांस, जी हाँ, अगर उसको कोई छेड़ता है, रोकता है, टोकता है तो वो उसके पीछे चाकू लेके पड़ जाती है। कितनी ही तेज तुम भागो लेकिन जब तक वो तुम्हें मार नहीं देगी चुपचाप नहीं बैठेगी। सो गाइस, कौन है ये लेडी, कहाँ से आई है ये लेडी, पुलिस अब तक इसका केस क्यों नहीं सुलझा पाई है, या ये सारी वीडियोस फेक है, या आपने अभी तक ऐसी कोई वीडियो नहीं सुनी, अभी भी कोई ऐसी कहानी नहीं सुनी, तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्बिया में एक लेडी रात को मोस्टली हॉस्पिटल्स के पास देखी गई है कुछ अजीब सा डांस करते हुए, जिसने अपने हाथों से टी बनाया हुआ है और अपने पैरों को ऐसे ऐसे करती है। तो गाइस, तो ये लेडी कहीं भी आपको डांस करते हुए दिखे ना तो इसको कभी भी छेड़ना मत, क्योंकि बताते ये हैं कि ये लेडी जो उसको टोकता है उसको ये मार देती है ना, और मोस्टली हॉस्पिटल्स के आसपास या सुनसान इलाकों में कैद की गई है। और एक सबसे दिलचस्प बात, जो वीडियो सबसे ज्यादा इसका पॉपुलर हुआ है वो मैं आपको बता दूं, 2023 का नहीं बल्कि 2019 का था, और आज 5 साल के बाद फिर से फोकस में इसलिए आया है क्योंकि कई जगहों पे अलग अलग लोगों ने इस सर्बिया डांसिंग लेडी को देखने का दावा किया है। उसकी वीडियोस टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टा पे हर जगह वायरल हो गई है, इसलिए वो वीडियो भी आ गया। और फिर जब पुलिस तक ये वीडियो पहुंचा तब पता है क्या हुआ, पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन की बट पुलिस को अब तक कोई भी सुराग नहीं लगा है। और एक चीज बता दूं, पुलिस ने या किसी भी न्यूज़पेपर ने ये भी नहीं क्लेम किया है कि ये सारी चीजें फेक हैं। जस्ट इमेजिन, पुलिस ने ये नहीं कहा है कि ये चीजें फेक है, इट मीन्स हेमंत कि सर्बिया लेडी का अस्तित्व है। हे भैया, सही बताओ है। हाँ, एक चीज और, पुलिस ने ये भी बताया है कि जितने भी कुछ इंटरनेट पे वीडियोस पड़े हुए हैं जिसमें उस लेडी का चेहरा दिखाया गया है अजीब सा, वो सब फेक हैं, वो तो मैं भी कर सकती हूँ कुछ भी पहन के और एकदम से उस तरह सा पोस्चर दे के, तो वो चीज फेक है। और ये जो डांस करता कर रही है ना, वो ये वहां का लोक नृत्य टाइप का है, लोकल डांस है जिसे ओका कहते हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसा डांस दिखे आपको तो समझ जाना ये सर्बियन लेडी है, इसको रात में बिल्कुल मत छेड़ना, दिन में भी देख जाए तो बगल से निकल जाना, बोलना नहीं। तो गाइस, 2019 में जब इसको पहली बार देखा गया ना, तो पता है आसपास के जिन लोगों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था या और लोग जो देख रहे थे तमाशा उसके नाच का, तो उन लोगों ने तुरंत पुलिस को कॉल किया, पुलिस जैसे ही आई वो लेडी गायब हो गई। ये कितनी क्रीपी बात है यार। उसके बाद से 2023 में दिखाई पड़ी, उसके बाद ये सीधा 2023 में देखी गई है। सोचो 5 साल तक ये कहाँ चली गई थी, या ये इंडिया या किसी विदेश टूर पे निकली हुई थी। क्या लगता है कि सच में कोई भूत था या फिर कोई आत्मा? लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि इस लेडी को किसी को हर्ट करते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है, और इस लेडी के नाम पे कई लोगों ने फेक वीडियोस भी बनाई हैं जो आज सोशल मीडिया में धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं, है ना गाइस। तो भाई ये समझ लो कि सर्बियन डांसिंग लेडी है तो जरूर, क्योंकि अभी तक पुलिस ने इसके ना होने का
कोई भी पुख्ता सबूत उपलब्ध नहीं कराया है या फिर उन्होंने ये नहीं कहा है कि भाई ये एग्जिस्ट नहीं करती। और एक सबसे मेन चीज मैं बताऊं आपको, सर्बिया की दंत कथाओं में यानी कि वहां की जो स्टोरीज प्रचलित हैं, जैसे हमारे यहाँ पुरानी स्टोरीज होती हैं उनको बोलते हैं, उसमें भी एक श्रापित नृत्य करने वाली महिला की कहानी है। जी हाँ, कर्ज डांसिंग वुमेन की कहानी है। उसको भी ये बोला गया है कि वो डांस करती हुई लेडी को अगर आप छेड़ोगे या उसे परेशान करोगे तो वो तुम्हारी जान ले लेगी। चाकू लेके तुम्हारे पीछे दौड़ पड़ेगी और तुम चाह के भी उससे नहीं बच पाओगे। जब वो डांस करती इस तरह से तो उसके हाथ में चाकू भी होता है। कई गेम वगैरह में भी हम लोगों ने देखा है ना कि जैसे कोई रो रही होती है औरत भूतिया टाइप की, अगर उसको छेड़ दो तो वो भी तुम्हारे पीछे पड़ जाती है, जान ले लेती है। कुछ उस टाइप की ये स्टोरी है। लेकिन हाँ, अभी 100% ये नहीं क्लियर है कि ये नहीं है, सिर्फ रूमर्स नहीं है, ये एग्जिस्ट करती है ये लेडी, लेकिन इसको किसी को हाइड करते हुए अभी तक नहीं दिखाया गया है। इसलिए इस बारे में ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सचेत रहना, तुम लोग ध्यान रखना अपना, अपने घरों में ही घुस के रहना। ऐसा मैं बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। क्योंकि हो सकता है कि 2019 में जब वो दिखाई पड़ी थी तो उसके बाद हो सकता है कि 2023 में वो फिर से आ गई हो। हो सकता है जितनी वीडियो मौजूद है उनमें कोई वीडियो सही भी हो और प्लस हो सकता है अगर उसने किसी की जान ली भी हो तो उसका वीडियो ना बन पाया हो अब तक। मान लो अकेले सुनसान कोई जा रहा है, उसने किसी को मार दिया तो कौन वीडियो बनाएगा। यह हो सकता है आगे आने वाले समय में लोगों को हाइड करते हुए वीडियो उसके आ जाए, मिल जाए या फिर आ जाए। आपकी क्या राय है इस लेडी के ऊपर? क्या ये सच में एग्जिस्ट करती है या सिर्फ एक ये फेक न्यूज फैली हुई है सोशल मीडिया में? जो भी है अपनी कमेंट्स में राय जरूर बताइएगा। और अगर आपकी कोई हॉन्टेड स्टोरी है तो जल्दी से लिख के भेज दो। सो गाइस, मिलती हूँ आपसे अगली स्टोरी में या अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।